ब्लैकमेल नहीं होगा, इस्तीफा देना है तो दे दें। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप को साफ इनकार कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि हक और सच के साथ खड़ा हूं, शहजाद अकबर जाती मफाद के लिए कुछ नहीं कर रहा। दूसरे जानिब अरकान ने वजीर आजम को खत भी लिखा जिसमें शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीला जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो खत जो दिया गया है जिसमें तमाम जो चार्ज शीट एक अरकान की तरफ से बताई गई है कि एफआईए के केसेस कैसे बनाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे डाला गया, शहबाज शरीफ के खिलाफ कितनी एफआईआर हुई है, जहांगीर तरीन के बच्चों के हवाले से कितनी एफआईआर हुई है, और उसके बाद शहजाद अकबर का उन्होंने मुतालबा किया है कि इसको हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अंदरूनी कहानी है इजलास की, वो हमारे पास आई है कि वजीर आजम जो है शहजाद अकबर के साथ खड़े हो चुके हैं। वजीर आजम ने तमाम अरकान की बात सुनने के बाद जो है ये बात कही है कि अगर आपके पास शहजाद अकबर के खिलाफ कुछ गवाहिद हैं, कुछ सबूत हैं, तो वो सामने लाएं। और उसके बाद उन्होंने जफर अली, जो बैरिस्टर जफर अली है, उनको ये टास्क सौंपा है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि वो तमाम तरह जो सियासी इंतकाम और आप जो बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया।